वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सीएल उड़ाई की। उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ ये दिखाते हैं कि जहाँ एक तब आश्मा और अलमान मिल जाते हैं और उन लोग के बीच में प्लान बनता है कि हम लोग कहीं ना कहीं से भागना पड़ेगा, क्योंकि इधर मौत के बीच में हम लोग खड़े हैं। वह इधर दिखाता है कि अरमान को ले आता है मुर्तजम, और वहीं उससे बहुत अच्छी दोस्ती बना के अरमान बनाता है एक प्लान, यानी कि इधर आशिमा और अरमान भागना चाहते हैं। वह इधर दूसरी तरफ दिखाता है कि एम्बेसी से कॉल आता है बेगम साहिबा के पास, और इधर बोलते हैं बेगम साहिबा को कि एक एम्बेसी से लड़का भागा है और वो अपनी बेगम यानी कि अपनी बीवी के लिए भागा है, और बोलता है कि अपनी बीवी को लेके आएगा, उसका मैं फोटो भेज रहा हूँ, हो सकता है वो आपके आसपास हो तो ढूंढने के लिए। वह इधर दिखाते हैं कि वो अरमान की फोटो रहती है, और बेगम साहिबा को सच पता चल जाता है आशिमा और अरमान के सामने। वही उधर के कुछ लोग हेल्प कर रहे होते हैं अरमान को और बोलते हैं कि अभी सभी खाने खाने के लिए गए हैं, तो आप आशिमा को लेके जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं। वह इधर अरमान और आशिमा भागने की पूरी कोशिश में रहते हैं और कई हद तक चले भी जाते हैं, लेकिन ये बात पता चल जाती है बेगम साहिबा को। तो क्या बेगम साहिबा करेगी अटैक, यानी कि इनका मौत का फरमान जारी करेगी, या इस बार होगा कुछ नया? वही क्या बेगम साहिबा की नजरों से बच पाएंगे अरमान और आशिमा, या इस बार होगा उनके ऊपर खतरा मंडराएगा? सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।